जितना भी हम लोग एजुकेशन में खर्च करते हैं, भारत बहुत कम खर्च कर रहा है। अगर हम चाइना को देखें तो वो $1,800 खर्च कर रहा है पर एनम एक बच्चे पर, लेकिन भारत वर्ष अभी $268 खर्च कर रहा है। यहाँ पर सारे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम इसी एस्पेक्ट को बहुजन समाज के साथ जोड़े तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्थिति है वो कितनी बेकार हो सकती है। यहाँ पर हम कितना खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पर, अगर हम अपने बच्चों पर खर्च ही नहीं करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, तो हम सोच सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो कहाँ पर जाएगी। अगर मैं किसी भी कारण से आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ, बोलने के लायक बनी हुई, तो केवल शिक्षा के बेस पर, बिना शिक्षा के मैं ना यहाँ पर आ सकती थी, ना ही यहाँ पर आप सबके सामने खड़े होकर के बोल सकती थी किसी भी तरीके से। मेरी आप सब लोगों से यही आशा है, उम्मीद है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले तो बहुत अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाए, जिससे कि जो हमारा बहुजन समाज है वो अच्छी तरीके से आगे की ओर अग्रसर हो। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वो यहाँ पर था स्टैंडअप और स्टार्टअप स्कीम्स हैं बहुत सारी जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर एक नई स्कीम है जो अभी 2014 में शुरू हुई थी, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को उस समय की सरकार ने, जो अभी भी सरकार है, चार भागों में बांटा, जिसमें तीन भाग तो हमें पता ही है और चौथा SC ST और वुमेन के लिए था, जिसमें उनको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की सहायता राशि दी जा सकती है किसी भी काम को करने के लिए। तो उस जो स्टैंडअप वो था, उसका अभी कंक्लूजन भी हमारे पास में आ गया था। लगभग 13 करोड़ रुपया खर्च किया गया है उसमें। 13 करोड़ रुपया खर्च करने में जितना भी उसमें भागीदारी रही है SC ST की, वो 55% की रही है, जो केवल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 75 करोड़ है, ऊपर से हम 13%, मतलब 13 करोड़ में से भी अगर हम ये कहते हैं कि 55% हमने लाभ ले लिया, 7.5 करोड़ अगर हमने लाभ ले लिया, तो किस तरीके से हम उस लाभ को जस्टिफाई कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे कि अगर हमने 50% लाभ उस योजना का ले भी लिया, तो कहाँ से हमारी बहुजन समाज एक प्रोग्रेसिव समाज बन पाएगा? तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से स्कीम्स तो बने और हम उनको पूरे के पूरे तरह से जितना भी हो सके उनका हम फायदा उठा पाए और समाज को बता पाए कि स्कीम्स हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा प्रेस, डिक्की के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं उनको भी प्रेस करना चाहूंगी कि हम बहुत ज्यादा आश्रित ना रहे सरकार के ऊपर, हम डिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, क्योंकि डिक्की जो है उसमें लगभग 1,000 लोग हैं जो 25,000 तक का लोन भी देते हैं, ये भी मैंने देखा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बहुजन के डेवलपमेंट और विकास के लिए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाएं तो हम अपने भी खुद ही अग्रसर के पथ पर मतलब चल सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही आप लोगों से कहना चाहूंगी, मेरी प्रार्थना है कि हम सब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा योगदान दे पाए, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाएं और खुद अपने पैरों पर खड़े हो, ना कि सरकार के किसी, हमें बेसाखी की जरूरत है।